अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरी YouTube फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी सुबह हो गई है और आप लोगों की सुबह तो काफ़ी देर की हो चुकी होगी, तो मैं इस टाइम आ गई हूँ अपने बैकयार्ड में बाहर और आज का मौसम तो भाई मज़ेदार सा है, तो उसके साथ अब हम कुछ मज़ेदार सा नाश्ता भी करते हैं मौसम के हिसाब से, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। नाश्ते में एज यूजुअल मैं बना रही हूँ पराठे और आज पराठों के साथ हम खाएंगे मैंगोज, मज़ेदार से यमी यमी से पाकिस्तान वाले मैंगो। पराठा हमारा हो गया रेडी, देसी घी वाला पराठा है, क्रिस्पी सा मज़ेदार सा। तो हम नाश्ते से हो गए हैं फारिग, बर्तन शर्तन सब धुल चुके हैं और अब बारी आती है कि हमने खाने में क्या पकाना है। तो खाने में आज हम बनाएंगे फ्राई भिंडी, तो अब मैं उसको वॉश करती हूँ और उसके बाद हम करते हैं घर की सफाई, क्योंकि हमने कल बिल्कुल भी सफाई नहीं की थी, तो आज तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो अब हम भिंडी को जो है वॉश करके रखते हैं और उसके बाद सफाई करते हैं। भिंडी मैंने वॉश कर ली है, अब ये जब तक ड्राई होती होती देर तक हम सफाई करके और आते हैं और फिर आके इसको बनाएंगे। सफाई करके फारिग हुई हूँ और यहाँ पर बादलों की इतनी तेज़ आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था कहीं पर बिजली अभी आप फिर आएगी वीडियो में आवाज़। और ये देखें एकदम से मौसम कैसा हो गया, फुल बारिश होने वाली है यहाँ पे आज, तो शुक्र है 2 वीक के बाद जो है आज वो कुछ मौसम बहुत अच्छा हो गया, कुछ नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा हो गया और आप देख सकते हैं कितने बादल हैं। तो अब ये बरसेंगे, जितने ज़ोर से बादल बरसे थे उतनी तेज़ तो बारिश हुई नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की सी हो रही है बूंदाबांदी और देख लें हवा बिल्कुल रुक चुकी है यहाँ पर। बाकी काम ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, उसके बाद हम पढ़ेंगे नमाज, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। गई हूँ फ्रेश और अब पढ़ने लगी हूँ नमाज। नमाज पढ़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और अब 3 बज गए हैं और अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय और चाय पीऊँगी, फिर सुकून से फिर रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद मुझे बनानी है ये भिंडी। चाय रेडी हो गई और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खाली चाय पी लूँ, इसलिए मैं केक खाऊँगी साथ में। आप लोगों का दिल करे तो आप लोग अपने घर में चाय बनाएं और साथ में केक खाएं, इंजॉय करें, उसके बाद देखते हैं क्या कर। जैसे ही मैंने अपनी चाय पीना शुरू की और यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम में कैसे बारिश शुरू हो गई है, मज़ा और चाय एंजॉय। अब चाय तो थोड़ी सी रह गई है मेरी, लेकिन अब मज़ेदार सा मौसम हो गया। मैं दिल कर रहा है कि मैं इधर ही बैठ जाऊँ, मैं अंदर जाके एसी ऑन करके बैठ गई थी कि इतनी गर्मी और हब्स हो रहा था, लेकिन अब तो यहाँ पर मज़े वाला वेदर हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बादलों की आवाज़ आ रही है। इंजॉय करें चाय मेरे साथ, बादलों की आवाज़ सुने बस। मैं आ गई हूँ वापस अंदर क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो गई और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे बाहर लेके जाएं, तो वो मुझे लेके जा रहे हैं और ये बारिश हो रही है। ये मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है यहाँ पर और ये अली ड्राइव कर रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ। और ये यहाँ का खूबसूरत सा बोटिंग वाली जगह है जहाँ पे हम आए हैं, जूम करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके, अच्छा लगा।
लग रहा है यहाँ पर, लेकिन ये इतना स्लिपरी हुआ हुआ है कि मैं यहाँ पे नीचे नहीं जा पा रही। ये देखिए इतना जूम हुआ हुआ। ये बहुत स्लिपरी है क्योंकि बारिश भी हो रही थी उसकी वजह से। वापस आने के बाद मैंने ये भिंडी काटी है और ये मुझे ज़्यादा लग रही, तो इसको मैं हाफ़ बनाऊंगी और हाफ को फ्रीज़र में रख लूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आप इसको फ्रीज़र में रखती हूँ और फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और यहाँ पे क्या टाइम हो गया है, 6:15 होने वाले हैं और बस अब मैं थक गई हूँ, मैं रेस्ट करूँगी और फिर इसके बाद हम अपनी भिंडी बनाएंगे। रेडी हो गए और अब हम आगे अपने किचन में अपनी भिंडियों को बनाने जो सुबह से बनने वाली हैं और अब फाइनली बनने लगी। मैंने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर, बना लेते हैं भिंडी बनाने के बाद में। मैं भिंडी को फ्राई कर रही हूँ और भिंडी को सूखा धनिया डाल के अगर हम फ्राई करते हैं तो वो अपनी लेस जो होती है वो छोड़ देती है और जल्दी से वो बड़ी अच्छी सी और मज़ेदार सी बनती है। ये देखें अभी मैंने डाल दिया और साथ ही सूखा धनिया डाल दिया, तो जो इसके अंदर लेस होती है वो सूखा धनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमने प्याज डाल दिया, हल्दी, जीरा, नमक हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे और शुरू ऐड कर दें। अगर हम नमक साथ ऐड कर देते हैं तो भिंडी सॉफ्ट हो जाती है, मतलब बिल्कुल पानी से छोड़ देती है, बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है। तो इसलिए हम सॉल्ट है वो बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे। मैंने इसके अंदर टमाटोज और सॉल्ट ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। भिंडी हमारी हो गई है रेडी। खाना खा के हम हो गए फारिग और अब हम चलते हैं वॉक पे। तो वॉक से हम हो गए फारिग, अब बस घर जाने लगी थी तो मैंने कहा अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। आप सबका बहुत सारा थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, उसको इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। और प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।